हरे कृष्णा अध्याय 7 श्लोक नंबर 22। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनाम इहते लभते च तथा कामान मायैव विहितान हितान। इसका अर्थ, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। इसका तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वह मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृता में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते। जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिनके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य भक्तों। तो भक्तों, अब इन श्लोकों से भगवान बताते हैं कि जो भी देवी देवता सैंक्शन करते हैं, अप्रूवल करते हैं हमारे इच्छाओं का, वो एक्चुअली आता कहाँ से है, उसका मेन सोर्स कहाँ से है? भगवान से। भगवान कृष्ण ही उसका सैंक्शन करते हैं, तब जाके हमें वो वरदान मिलता है अमुक अमुक देवी देवता से। अब ये होता कैसे है, ये देवता गण अपनी लिस्ट लेके जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं अमुक अमुक व्यक्ति ने, अमुक अमुक जीव ने ये याचना की है, तो आप इसकी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। तो ये याचना जब देवताएं भगवान के पास लेके जाते हैं तो एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म में, तो भगवान उनके कर्मों के हिसाब से देखते हैं कि उनका कितना कर्म फल, कितना पुण्य फल ये है, उस हिसाब से उनको वो मिलता है। तो ये इस तरह से है कि मतलब किसी को अगर देर से कुछ फल की प्राप्ति होने वाली है तो उसको थोड़ा सा कोई अपना आदमी थोड़ा आगे अर्जी देता है ना, तो काम थोड़ा जल्दी बन जाता है, मगर उसको मिलना है ही वो देर सवेर। तो वैसे ही देवता के कहने पर भगवान जो देर से उसको मिलने वाला था वो थोड़ा जल्दी दे देते हैं। यही सिर्फ फर्क है कि वो अनुष्ठान देवताओं का करता है मगर सैंक्शन भगवान करते हैं। तो ये कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला है आपको, ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला है, आपके ही कर्मों का जो मिलना था फल, वही देवताओं ने अर्जी लगा के भगवान के पास उसे जो देर से मिलने वाला था वो जल्दी दिला दिया। समझ गए आप? तो कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं मिला यहाँ पे आपके कर्मों के बदले में, ये हमको समझना चाहिए। अब आप जब डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करते हो, डायरेक्टली, ठीक है, वाया नहीं, डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच करते हो कोई भी इच्छा से हो, जैसे अकामह सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारी, कोई भी इच्छा हो, मोक्ष की हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ, मगर आप जाओगे सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास, तो भगवान क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे बड़ा आदमी खुश होता है ना कि ये डायरेक्टली मेरे पास आया,
ओहो हो, इसको मेरी सत्ता समझ में आ गई। तो भगवान खुश हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा कहीं और जाने के बजाय मेरे पास ही डायरेक्ट आया है। तो तब उस पर एक्स्ट्रा अनुकंपा पड़ती है, करुणा जो ये है कॉजलेस मर्सी, अहितु की कृपा उस पर और पड़ जाती है। अब ये एक्स्ट्रा अहितु की कृपा जो हमको मिल रही है ये क्या है? ये है भक्ति। जो भौतिक चीज़ हम भगवान के पास मांगने जाते हैं तो वो इच्छा तो भगवान देते ही हैं, मगर साथ में क्या होता है, धीरे धीरे भगवान उसके चित्त की शुद्धि करते हैं, मतलब भौतिक कलमश जो है वो हर लेते हैं, खींच के निकाल देते हैं, सफाई कर देते हैं एकदम, और धीरे धीरे उसके हृदय में भक्ति का स्रोत जगाते हैं। उससे क्या होता है, जो आध्यात्मिक विषय के जो कठिन ज्ञान है जो हमारी भौतिक बुद्धि समझ नहीं पाती है वो धीरे धीरे हमारे पकड़ में आने लगती है और हम भगवान के बारे में पूरी तरह जानना कोशिश करते हैं और जान जाते हैं अंततोगत्वा। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करने का, ना ही देवी देवताओं के थ्रू। देवी देवता जैसे ऑफिस में मेन चेयरमैन होता है, फिर सीईओ होता है, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, अलग अलग चीज़ों को ये करने के लिए, संचार करने के लिए, कार्य प्रणाली चलते रहने के लिए उस विभाग को एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जाता है ना, वैसे ही ये देवताओं को उस डिपार्टमेंट उनको दे दिया है। जैसे ब्रह्मा जी को निर्माण करने का, सृजन करने का, क्रिएशन का उनको डिपार्टमेंट दिया है। शिव जी जो है वो जो लय करने में बहुत एक्सपर्ट है और तमोगुणी लोगों को अपने बस में रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसीलिए भगवान बहुत खुश हो जाते हैं उनसे और उनको वैष्णवानाम यथा शंभो और मुकुंद प्रिय जैसे नाम से पहचाना जाता है। कभी कभी तो भगवान उनको भगवान करके भी पुकारते हैं क्योंकि वो इतने कठिन जो लोग हैं, तमोगुणी वाले लोग हैं जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि भूत प्रेत इविल एक्टिविटीज़ करने वाले, ब्रह्म पिशाच राक्षस कोई भी हो, इन सबको वो अपने अधीन रखते हैं ताकि ये कोई संकट ना क्रिएट करे सोसाइटी में और ऐसे, और धीरे धीरे इनकी भक्ति में प्रगति होते जाए। तो इस ऐसे ज्ञान से शिवजी उनको भक्ति देते हैं। तो इस हिसाब से एक एक देवताएं उनको एक एक कार्य प्रणाली दी गई है भगवान ने। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ हाँ भाई ये सब भगवान ही हैं, गॉड इज़ वन करके ऐसे सोच के सबके पास नहीं जाना चाहिए। फिर अंत में आप किसको याद करेंगे और किसके पास जाएंगे, और जिसको भी याद करेंगे वापस आपको इधर ही आना पड़ेगा क्योंकि सबके सब जीव तत्व में आते हैं, जैसे हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया था। जो इन सब में सम्मिलित होकर भी नहीं है और इन गुणों से भी परे है, ठीक है, वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ केवल भगवान कृष्ण। उनको ये सब चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, इसीलिए कुछ भी हो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है, सक्षम है, पूरे तरह से सक्षम है। अब यहाँ पे तात्पर्य में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हर कोई लाइन श्रीला प्रभुपाद ने बहुत बारीकी से हमें समझाया है, मगर जो लास्ट पैरा में जो बताया है श्रीला प्रभुपाद ने कि जो जीव भगवद्दान जाना चाहता है, इच्छुक है, उसको भौतिक मार्ग की इच्छाएं जो है वो बाधक बनती है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है दोस्तों, ये जो भगवत धाम में वैकुंठ में उन्हीं जीवात्माओं को प्रवेश मिलता है जो भौतिक इच्छाएं नीचे छोड़कर आए हैं, पीछे छोड़कर आए हैं, वो साथ में लेके नहीं आए हैं। अगर वो साथ में लेके घूमते हैं तो उनको इन्हीं लोकों में, 14 लोकों में ही घूमना पड़ेगा, वो इसको पार कर कर भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकते, इस शरीर में, भौतिक शरीर में वो नहीं पा सकते। उसको कहते हैं ये मन बुद्धि अहंकार, अगर ये स्थूल शरीर निकल जाने के बाद भी ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ घूमते रहता है, आत्मा के साथ, जब तक ये शेड नहीं होता, गिरता नहीं है, छोड़ नहीं देता हमको, आत्मा प्रयाण नहीं कर सकती गोलोक धाम या वैकुंठ धाम तक। तो ये पुराण में भी इसका उल्लेख किया है, ब्रह्म वैवर्ता पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, बहुत जगह पे उल्लेख है कि
सिर्फ और सिर्फ जीव को अगर अपना उद्धार करना है तो हरि नाम का जप करना है, जो कि सबसे बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि उसका वो जीवन, जिस जीवन में उसने शुरू किया ये प्रणाली, वो जीवन भी उसकी सुधर जाएगी, आराम से कटेगी, और आने वाला नेक्स्ट जीवन भी वो भी उसका अच्छा हो जाएगा, और अंत तो गत्वा क्या होगा, राधे राधे, भगवत धाम चले जाएंगे भगवान का नाम रटते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।